2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्थल पर अपनी सियासी पिच को मजबूत करने में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी चुनाव में जीतने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से गठबंधन बिखर रहा है, उससे अब इसके वजूद पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीएसपी के गठबंधन में शामिल न होने पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। बोला गया, ईडी और सीबीआई के डर की वजह से बीएसपी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन अब हर राज्य के लोग गठबंधन को छोड़ रहे हैं। बीएसपी सांसद ने आगे क्या कुछ कहा, सुने। देखिए, ये पहले सबसे पहले जब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था, तो हम इस गठबंधन में नहीं थे। तो सब हमको कहते थे कि सीबीआई से डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं। आज पूरे देश में एक एक करके सारे प्रदेशों के लोग अलग होते जा रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई एक चाल है, फैलाई गई एक भ्रांति है, दूसरों को बदनाम करने की कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र, एक रणनीति का हिस्सा है। असली बात यह है, कांग्रेस में खुद लीडरशिप कमजोर है, कंफ्यूज है, इसीलिए 3 साल ये अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। और जिस दिन अध्यक्ष बना, उसने अध्यक्ष ने आते ही पहले दिन सनातन के खिलाफ बोला। उसके ठीक दूसरी तरफ जब प्रदेशों में चुनाव होते हैं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेता मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं और वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा नेता सदन अधीर रंजन वहां महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहते हैं। तो ये लोग मोए लीडरशिप नहीं है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इनकी जिम्मेदारी बैठती है कि अपने सारे जितने साथी हैं इनके, हम तो उसमें थे नहीं, लेकिन उनको लगा के रखें और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हों। और जिस तरह इन्होंने मध्य प्रदेश में अखिलेश पखिलेश कह के सारे यादव 8% नाराज कर दिए थे, वो सब भाग करके उन्होंने उठा करके बीजेपी को वोट दे दिया, तो वहां कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी बैठती है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनवाई। राजस्थान में जहां सचिन पायलट का चेहरा आगे रख करके गुर्जर समाज के 9% वोट है राजस्थान में, उनको मुख्यमंत्री ने बनाया, धोखा दिया। वहां सब गुर्जर नाराज हो गए और उन्होंने सचिन पायलट की वजह से या गुर्जरों को धोखा दिया, इस वजह से कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी को वोट दिया। इसका मतलब राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार कांग्रेस ने बनवाई। और जिस तरह इनके घटक दल अब सब टूटते जा रहे हैं, मुझे तो लगता है 2024 में पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की बैठेगी कि बीजेपी की सरकार बनवाने की। बीएसपी सांसद का ये बयान फिलहाल तो राजनीति में चर्चा का विषय बना है। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।